और ट्यूबवेल के मुद्दे को लेकर सीएम मनोहर लाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ये भी सुनिए। देखिए राइट टू सर्विस में तब डाला जाता है जब कोई सर्विस ऐसी हो जिस सर्विस में सरकार को और कुछ सोचना ना पड़ता हो या कोई और ऐसा विशेष कारण ना हो जिसके कारण से वो सर्विस को टाला जा सके या उसको रोका जा सके। ट्यूबवेल लगाने के लिए ये जो कनेक्शन के अप्लाई किए जाते हैं इसमें दो फैक्टर ऐसे हैं जो बहुत ध्यान करने लायक हैं। एक तो उसमें है प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या है कि पानी की अवेलेबिलिटी जमीन के अंदर इतनी नहीं है कि जो मर्जी चाहे अप्लाई करें जितना मर्जी चाहे निकाल लें। मैं लगातार पानी की बात कर रहा हूं। हमने उसके ऊपर एक राइडर लगाया है कि अब ट्यूबवेल के कनेक्शन जहां पानी ज्यादा गहरा हो गया जो माइक्रो इरिगेशन लगाएगा उसी को ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेगा। 50 हॉर्स पावर से ऊपर मिलेगा नहीं, 10 हॉर्स पावर तक जो मिलेगा वो सोलर मिलेगा, 10 हॉर्स पावर से ऊपर जो है वो मिलेगा। एक मिनट पूरी बात कर लेना। तो पहला तो ये रेस्ट्रिक्शन कि पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। हमने इसमें गाइडलाइंस जो वाटर अथॉरिटी की है वो भी ध्यान रखनी पड़ती है कि ये ट्यूबवेल कनेक्शन देने हैं नहीं देने। एक दूसरा इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्टेट के बजट के साथ भी जुड़ा हुआ है। एक ट्यूबवेल कनेक्शन का साल में ऑन एवरेज 1 लाख रुपया सब्सिडी जाती है जो अभी 6000 समथिंग करोड़ है वो सब्सिडी सरकार देती है। इसलिए उसका भी हमको ध्यान करना है कि बजट में हमारे पास जितना प्रोविजन है उतने ही कनेक्शन खोले जाएंगे। तीसरा अप्लाई करने में 2018 तक के जो अप्लाई थे जिसमें 4400 बाकी हैं केवल उनके लिए ही कहा गया है कि वो तुरंत इस समय हम दे देंगे और 23-24 अगले साल में जो उससे अगले कनेक्शन है उनके डिमांड नोट इन कंडीशंस पर जो पूरा करेंगे उनके डिमांड नोट जारी कर दिए जाएंगे अगले साल में। डिमांड नोट जारी करने का मतलब है जैसे जैसे हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी पानी की, जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होगी सब्सिडी देने की, उस हिसाब से डिमांड नोट जारी करेंगे। लेकिन अभी 4400 जो है वो तुरंत जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। ये हमारा